यदि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, यदि आप अपने जीवन में आगे की बजाय पीछे की ओर चले गए हैं, यदि आप वहाँ नहीं हैं जहाँ आप होना चाहते हैं, या नहीं आप अपने जीवन में इस बिंदु पर होना चाहते थे। अगर आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप एक बात जान लो, वापसी हमेशा सेटबैक से बड़ी होती है। आप कितने भी नीचे गिरे हो, आप वापस ऊपर आ सकते हो। गड्ढा कितना भी गहरा क्यों ना हो, आप अपना रास्ता निकाल सकते हो। आप अपना स्पीड बढ़ाओ और अपने जीवन के लिए लड़ने का फैसला करो। अगर आप तय करते हैं कि आपका जीवन इस पल से अलग होगा या फिर अलग हो सकता है, लेकिन आपको तय करना होगा। ज्यादातर लोग ब्रेक नहीं लेते हैं। आपके सामने पहाड़ कितने भी क्यों ना आ जाए, लेकिन आप पहाड़ से नीचे लुढ़कते रहना, आपको ब्रेक लगाना होगा और ये पता लगाना होगा कि आप अपने आप को उस पहाड़ पर कैसे वापस लाने जा रहे हो। अपने जीवन चक्र को नियंत्रण से बाहर ना होने दे। क्या आपको पता है आप उससे बेहतर है? आप समय में इस क्षण से अधिक है। उठो भाई, उठो और आज से शुरू हो जाओ। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। आपको क्या लगता है, मैं नीचे नहीं गया हूँ, ये सारे लोग नहीं गए हैं? गड्ढा गहरा होता जा रहा है, कर्ज बड़ा होता जा रहा है, लगता है चुनौतियाँ आती जाती रहती है, यह सब बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है। आप अभी अपने जीवन में हर चुनौतियों पर काबू पाने में सक्षम हो। यदि आप निर्णय लेते हैं, आपके ऊपर कमबैक लिखा हुआ है। अपने पहले प्रतिकूलताओं को दूर कीजिए, अपने पहले चुनौतियों का सम्मान कीजिए। आप अभी भी वहाँ हो, लड़ते रहो। आपको एक नया अपना जीवन डिजाइन करना होगा, एक इतना मजबूत कि आप अब गहरे छेद में नहीं जा सकते। जीवन की गड्ढे हमेशा रहेंगे, लेकिन आप एक ऐसा निर्माण करने में सक्षम है जैसे अब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक बार जब आप समाप्त कर लेंगे तो अपने आप को खोने के लिए कोई गहरा छेद नहीं रहेगा। इसके बाद किसी बड़ी वापसी की जरूरत नहीं होगी। यह आपकी अंतिम वापसी की कहानी है। अपने नए संस्कारण को बढ़ाने में इतना मेहनत करो कि हर किसी के पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि कोई भी आपसे अधिक योग्य नहीं है। वो कहेंगे कि आपसे ज्यादा मेहनत किसी ने नहीं की, इसलिए आपसे ज्यादा कोई इसका हकदार नहीं है। इतनी मेहनत करो कि अपने जीवन में प्रति आसत हो जाओ। अपने जीवन के लिए खूब भागो। आप बेहतर क्यों कर सकते हैं, उसका स्वामित्व ले लो या सब खुद के साथ ईमानदार हो जाओ। किसी के लिए कोई वापसी नहीं होगी जो खुद से झूठ बोल रहा है। यदि आप एक भद्दी स्थिति में हैं या आप पर है, उसका फावड़ा को उठाओ और अपना रास्ता खोदो। आपकी वापसी चालू है और ये सस्ता सा शुरुआत है। आप कितने मेहनत कर रहे हैं, क्या आप अधिक मेहनत कर सकते हैं? यदि आपने नहीं कहा आप और क्यों झूठ बोल रहे हैं और मेहनत करें। क्यों आप होशियार काम कर सकते हैं, होशियार काम करें। क्या आप अपने जीवन में कुछ चीजों को काट सकते हैं जो आपके जीवन में गुणवत्ता में जुड़ने के बजाय दूर ले जा रहा है? उस समय ही कर दो वो निर्णय। लो अपने जीवन से अभी नकारात्मकता को दूर करें। आप जो कर सकते हैं उस पर ध्यान दे, फुल फोकस। सीखने और कार्रवाई करने में हर दिन अपना समय अधिक लगाए। आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो आपको एक नया बेहतर संस्कारण की ओर ले जाएगा। और आपको पता है ये वापसी का समय है, और वापसी का समय सेटबैक से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। ये वापसी का समय है और वापसी का सेटबैक कहीं अधिक महान होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।